कोरोना की सूरत हाल खतरनाक तीसरी लहर शदत इख्तियार करने लगी महलिक वबा से मज़द ब बयालीस अंवाद चौबीस घंटों में तीन हज़ार आठ सौ चौहत्तर नए केसेस रिपोर्ट इस्लामाबाद में आज और कल मार्केटें और रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद रहेंगे तमाम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स और अस्पतालों में वैक्सीनेशन मुहिम भी दो दिन मअल रहेगी मोटरवे ज़्यादा केस का फैसला आज सुनाया जाएगा मुलजिम आबिद मल्ही और शफकत अली के खिलाफ समात मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था इंसद दहशत गर्दी की खसूस अदालत फैसला कैम्प जेल लाहौर में सुनाई की केस में प्रोसिक्यूशन के पैंतीस से जायद गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए मुलजमों ने सितंबर दो हजार बीस में मोटरवे पर ख़ातून को दुराने डके थी ज्यादा का निशाना बनाया था विफाक हुकूमत ने आई एम एफ की एक और शर्त मान ली एक सौ चालीस अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फ़ैसला सदारती ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी गई विफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डीनेंस लाने की मंजूरी दी सराय के मुताबिक सदारती ऑर्डीनेंस लाने के लिए जब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई स्टेट बैंक का शर सूद सात फीसद की सतह पर बरकरार रखने का फ़ैसला स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया बताया कि शर नमू तीन फ़ीसद के लगभग और अभी तक मतदल है रवान साल फरवरी में महंगाई में तेज़ी से इजाफा हुआ बिजली चीनी गंदम की कीमतों में इजाफ़ा महंगाई की रफ़्तार बढ़ाने का सबब बना बिजली की के कीमतों में हालिया इजाफे के असर आइंदा महीनों के दौरान भी महंगाई की शक्ल में ज़ाहिर होंगे बलूचिस्तान असम्बली में एक रात में सारी वफादारी बदल जाती है लगता है यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं पी एस पी सरबराम मुस्तफ़ा कमाल की कोयटा में जलसे से खिताब कहा कि सूबे के हालात हर गुजरते दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा बलाई और वस्ती इलाकों में इतवार से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश होगी इस्लामाबाद रावलपिंडी लाहौर पिशावर एपटाबाद मुजफ्फराबाद और गिलगिल बल्दिस्तान में बादल बरसेंगे मूसलाधार बारिश के बाईस पहाड़ी मकामा पर लैंड स्लाइडिंग का भी ख़दशा असल ख़बरदार में खुशामदैद मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल वति नजरात शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए दो अहम सियासी किरदारों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अली जरदारी साहब और शाहिद खाकान अब्बासी हाल चाल भाजी ठीक ये भाजी क्या होता है, है मेरे नहीं लेकिन आपका स्टाइल जो है और मैं उनकी एक हमारे साथ सबक सदर बैठे हैं एक वजीर आजम बैठे हैं जी। तो हम थोड़ा सा मैनरिज्म करते हैं अरे छोड़िए इन्हें सुनिए इधर से क्यों जी। हम ना हो तो जमाने की सांस रुक जाए कतील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं कम आजकल तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर मुल्क की सियासत वक्त का सीना है तो उसमें जरदारी साहब हैं। कैसा दिया फिर सही नहीं दिया। से ते ते अच्छा लेकिन गया मैं जो की <laughs> आपको इनको हमेशा लेट ही समझ आती है क्या वजह चीजों की समझ इस कदर देर से क्यों आती है यार की दसा बस गल पता की असल। ने जाके कीती है असल मिया ने लंडन जाके साथ की जेडी पहले जदे जाके सी ये तो वो है जो विकेट की दोनों जानब खेल रहे थे आफ्ताब <laughs> ये ना करो जितना बिगड़ देखिए आपके जवाब का मुंतजर हूँ कौन सी बोला है भाई वो आपके जवाब का मुंतजर है सवाल क्या था सवाल वही जो इन्होने किया था जिना खेले हो ना बिगड़ दे आसे पास कोई भी नहीं खेलिया इसका जवाब देना आप खेले हैं कि नहीं फिर एक अर्ज और सुन ले जी सही ऑल इयर्स किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते वा, वा, वा। सही आप तो बहुत फॉर्म में आ गए हासना <laughs> शेर पूरा कर <laughs> जी किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते आ, हा सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते वाह 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 झूठों ने झूठों से कहा झूठों की छुट्टी हो गई अच्छा भाई वाह 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 अच्छा देखा जाए तो जागो इज सपोर्टिंग मैं नोट कह रहे हैं जा रहा मैं तो बड़े दिन से कह रहा हूँ क्यों जी तो तो जरदारी साहब कंपैरेटिवली सबसे बेहतर खेल रहे हैं जरदारी साहब हर तेरह चौदह साल बाद एक प्रो पाकिस्तान शॉट खेलते हैं और फिर अगले पंद्रह साल उसका तावान वसूल करते हैं इनकी बेस्ट शॉट याद है किसी को कौन सी सर? ये जो प्रो पाकिस्तान शॉट थी आ, पाकिस्तान खप्पे हाँ, <laughs> का मतलब सिंधी में होता है चाहिए। जी। पाकिस्तान चाहिए मैं सही दसा अंदरों में टूट गया चलो अगेड़ा मुल्क कुछ नहीं हो सकता देखो ना अंदरों अंदर गेम पा छड़ी नहीं, कौन सी गेम मियाँ साहब नो कह रहे मैं तो ने क्या वापस आओ तो क्या ये कोई गलत मुतालबा है और आपने और लाठी भी ना टूटे चातिर तो आप है चातिर तो आपसे बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता साई ए बेहूदगी मेरे हक या खिलाफ आपके हक में है साई मैं आपको और मरहू भुगति साहब को हमेशा एक साथ ब्रैकेट करता हूँ वो कैसे इन दोनों ने जब भी बात की है भले से स्टैब्लिशमेंट को पसंद हो या ना हो पाकिस्तान के हक में बात की है हम तो तो ये बात तो को पसंद होनी चाहिए। चंगी होनी चाहिए को मारा किसने था भुट्टो को किसने मारा था नहीं ये खतरनाक इलाके में दाखिल हो रहा है भाईजान थोड़ी सी इसकी कसाफत कम नहीं हो सकती गुफ्तू की ठीक है तो। फिल्म डिस्कस कर लेते हैं लेट्स स्टार्ट फिल्म किताब और लोग मैंने कल गॉडफादर देखी भाई बहुत अच्छी फिल्म थी फ्रांसिस फोर्ड कोपला की डायरेक्शन और अल्पचिनो की एक्टिंग मालूम ये ठीक है ये कर ले हम कमाल है आप लें हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है इकानमी का सत्यानाश हो रहा है लोग आप पर हंस रहे हैं ये वाद मुल्क है भाई कि किसी भी चौक में खड़े होके इसको जलीलो रसुवा कर दो किसी की मजाल नहीं आपको कुछ कह जाए वैसे ये बात सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है आप इस तरह अपने मुल्क को जलीलो रसवा कहीं और नहीं कर सकते और इस बात पर अगर तनकीद की जाए तो कहते हैं देखा इस्टेब्लिशमेंट की जबान बोल रहे हैं अच्छा जी एक सवाल करते हैं बहुत शुक्रिया है यार साइंस है साइंस से पूछ रहा हूं <laughs> नहीं, मतलब नहीं, नहीं नहीं एक सवाल <laughs> है जैन क्वेश्चन है कि सरबराही इजलास के बाद आपने मरियम से सॉरी किया क्योंकि सॉरी ऑफ देम After all, I am a gentleman. और <laughs> <laughs> जागनों कुछ है नजर आई <laughs> अब क्यों ऐसे? नहीं नहीं मैं सही के जवाब को इंजॉय कर रहा हूँ। आपको इतराज है he's not a gentleman. No comments. Lips are zip. अच्छा आर जिपा थोड़ा थोड़ा मेरे खिलाफ भी हो रहा है सही आप भी तो सेल्फ मौकरी में इन जो जाते हैं आपको पता है और भुट्टो साहब क्या करते थे अपना मजाक उड़ाकर कॉमेडी बड़ी शानदार कॉमेडी क्रिएट होती है आप इनकी मौजूदा क्यादत की तरह नहीं है लक्ड सिफत मैं साहब लाया मैं ताने तूने देने अच्छा दे। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ से बुनियादी गलती कहां हुई मैं साहब समय मिया इनसे पूछ रहा हूँ बात <laughs> कर लेने दे प्लीज चले, चले चले आप जवाब दे दे समय ना उलती हुई मिया साहब बाहर चले गए छह दिन का बहाना लाग हो गया जी सर जरा संजीदा जवाब इसका सियासी जवाब इसका देखें आफ्ताब मियाँ साहब की बुनियादी गलती बल्कि पॉलिटिकल ब्लंडर मैं आपको बताऊं जी इन ऑल सीरियसनेस छलांग अपने गोडों के हिसाब से मारनी चाहिए कैसे तो सर्जन दे बच्चे <laughs> वजात भी कर की, कही जा रहे हैं नहीं नहीं बड़ी मजे की बात बड़ी सीधी आम फहम बात कर डाली आफ्ताब साहब ये पटवारियों का अलमिया है इनको अदालती फैसले भी देर से समझ आते हैं ਜੁਗਤ ਵੀ ਦੇਰ ਸਾ ਸਮਝ ਆਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਓਏ ਸਟੈਪ ਨਾ ਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਚੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਖਗਣ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਈ ਹੈ ਉਕਾ ਜੀ ਜੀ ਨਾਇਤ ਵੀ ਐਸੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਐਟਮਾਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾਗੀ ਹੈ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ रंगीला साहब हनी पिछले हफ्ते भाई तुम्हारा वो एक आइटम सुपर हिट हुआ है कौन सा ये आपकी मेहरबानी है ताबू जी <laughs> <laughs> मैं आपका बहुत शुक्र गुजार हूँ <laughs> ताबू जी किरण कहाँ है किरण ये बैठी हाँ जी ये जी किरण दा बेड़ा कर कौन कर गया? <laughs> <laughs> राहुल कहाँ है राहुल ये राहुल बैठे साहब जी

मंडेला और चीज है अच्छा जीब्लिशमेंट से डरते हैं नेवर नेवर कार्टून सवाल करो जो आप नेवर दा। <laughs> नेवर नहीं, नहीं बड़ी पते की बात कर रहे हैं वो कार्टून वाली नहीं नहीं यार सीरियस बात कर लेने दो प्लीज कॉमेडी शो है भी सीरियस करना है। यार किसने कहा आपको ये सिर्फ कॉमेडी शो है हमने सीरियस बातें करने के लिए डुगडुगी के तौर पे कॉमेडी को इस्तेमाल करना होता है अच्छा तो मैं डुगडी हिस्सा आप वो डुगडुगी हैं हाँ, 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 हाँ। जी त्यागी है। <laughs> ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जी जनाब मेरे साथ वाला मुझे दुलहते वादे की कोशिश कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट हाँ। <laughs> के खिलाफ आपकी स्ट्रगल जारी रहनी चाहिए लेकिन सिविल हुक्मरानी के लिए ठीक जाति अनाथ के लिए नहीं भाई वाह दैट मेक्स हिम आसिफ जरदारी आसिफ जरदारी प्लेयर ऑफ द मिलेनियम अच्छा खुश बहुत होते हैं इस बात पे ये नहीं कहते कि तंज हो रही है मुझे ब्लैक पेंट किया जा रहा है प्लेयर ऑफ द मिलेनियम ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है सही आई टेक इट पॉजिटिवली अच्छा जी लॉन्ग मार्च आप कहते हैं नहीं होनी चाहिए नो आई सेड होनी चाहिए लेकिन मुशावरत के साथ मुशावरत किसके साथ करेंगे मियाँ साहब तो मियाँ साहब के साथ कर ले मुशावरत आफ्ताब हमें मियाँ साहब फिजिकली यहां चाहिए ठीक वीडियो लिंक पे नहीं बाकी ये तो कोई बात ना ना क्या आप व्हाट्सएप पे और वीडियो लिंक पे अपनी लीडरी चमकाते रहें और ख्वार कोई और हो रहा हो यहाँ पे आए फेस करें तो थोड़ा बहुत हिसाब किताब दें बल्कि अगर मैं साहब की जगह होता तो इस वक्त पाकिस्तान आ जाता कि लो जी कर लो तुम मेरा जो करना चाहते हो गार गारंटी क्या लाइफ की गारंटी मांगी है ना जी कोर्स मुझसे पूछे तो उन्हें कोई खतरा नहीं हाँ जी क्या खतरा हो सकता है हमारी जेलें बहुत सिक्योर है बड़ी तगड़ी जेल भाई यार कमा ले आप हंस रहे मैं चौदह साल काट के आया हूं अच्छा सही लोग एक अजीब बात कर रहे हैं कि आपने गिलानी साहब को सैनिटर तो बना लिया लेकिन बेचारे पीडीएम को डिच कर डाला आफ्ताब पीडीएम तो उसी दिन डिच हो गया था जिस दिन मियाँ साहब ने लंदन बैठे रहने का फैसला कर लिया था जी वो फिर से किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं जैसे जद्दे जाकर उन्हें ब्रीदिंग स्पेस मिल गई थी टाइम मिल गया था उनके सारे मामला ठीक हो गए अब वो परेशान इस बात पे हैं कि वो जो विचोले होते थे ना मिडल मैन वो अब नहीं है वो मिडल मैन खुद बेचारे परेशान हैं इन्हें कौन सपोर्ट दे आफ्ताब साहब मिडल मैन आज भी आ सकते हैं उस वक्त बात और थी यानी उस वक्त वो इतने ब्लैक पेंट नहीं हुए थे जितने अब हो गए हैं मीडिया ने उनको बहुत ब्लैक पेंट कर दिया सर मार्कोस के बाद इनका नाम है करप्शन में थोड़ा सी फिलिपीन अच्छा जी आपको नहीं पता मैंने नहीं ना पता इसे तो पूछा पागल ना मैं <laughs>